फेल कर रहा है, तो हमारा नजर उड़ा नहीं है तो फेल कर रहा है। एक और क्या है, एक का एडमिशन क्या हुआ इसको पता ही नहीं, काम करता है मनाली का बदला क्या किया से मनरेगा करने के पीओ और उसके जेई पीआरएस पीटीओ के सामने थे। बैठक का मुख्य कारण ये था कि अभी जिस तरह का गर्मी बढ़ रही है और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, पानी जिस तरह डिप्लीट कर रहा है उसके आधार पर, ये हमारा जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली ये बहुत ही उपयोगी योजना है और इसके तहत मनरेगा को खासकर ग्रामीण विकास में जो मनरेगा काम होता है उसमें एक टारगेट दिया हुआ है, जितने भी तालाब हैं जो 5 एकड़ से कम रखवाते हैं उसको रिनोवेट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग को लक्ष्य दिया हुआ, लक्ष्य के अधीन वो मैंने समीक्षा किया, लक्ष्य के अधीन इन लोग की प्राप्ति का कहाँ तक अभी हुई है तो बहुत संतोषप्रद नहीं है, लेकिन उसको निर्देश दिया गया है 26 तारीख तक डेट दी है, 26 तारीख तक आप सारे जगह काम आप स्टार्ट कर दें ताकि वो समय रहते काम उसका पूरा हो जाए। इसके कारण जो अभी बारिश वगैरह का मौसम आएगा तो उसमें वाटर स्टोरेज और जो उसका ग्राउंड वाटर का रिचार्ज है वो अच्छा हो पाएगा, इसके कारण हम लोग जो ग्रीष्म ऋतु में जो पानी की किल्लत से हम लोग जो रूबरू होते हैं, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो या खेती करने का पानी हो, वो सबसे हम लोग निदान पा सकते हैं। सर नहीं, अभी उसकी जांच जो है कि नहीं के लिए सोखता बना है, सोखता की भी जांच करवाई है, एक सप्ताह में उसको भी जाँच करने का निर्देश दे दिए, पूरी जाँच की जाएगी क्योंकि सोखता भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिचार्ज के लिए। सोखता का पर्पस बहुत टेक्निकल पर्पस होता है, तो ये होता है कि जो पानी जो होता है जो जाया इधर उधर ना जाए और साथ साथ वाटर रिचार्ज भी जमीन में हो सके। जितना हम लोगों ने जियो टैगिंग कराया था जो पोर्टल पर था वो सारे अतिक्रमण तो हटा दिए गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत जगह ऐसे है जो धीरे धीरे फिर अतिक्रमण कर रहे हैं या पहले से अतिक्रमण है जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया था, उसको भी हम लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हैं, अगर अतिक्रमण होगा तो उसको भी हटवा करके और मिनिस्ट्री में जाकर उसका भी जीर्णोद्धार करवा रहे हैं। सर किन किन प्रखंडों का बैठक था सर आज? आज असरगंज, तारापुर और संग्रामपुर प्रखंड का बैठक था।